लोकसभेचं कामकाज सुरू झालं, थेट जाऊया. इसके समय जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि इसकी संख्या 150 तक हो, तो मेरा इसमें ये कहना है कि ये एक समूह है और इसमें किसानों की, इसमें जैसा सदस्य ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी हो, तो महिलाओं की भागीदारी, इसमें महिला भी सदस्य बन सकती है और आदमी भी इसमें सदस्य बन सकता है, तो इसमें दोनों को छूट है. लेकिन इसके साथ ही जो इन्होंने 150 की संख्या का कहा है, इसमें जब जितना बड़ा ग्रुप बनेगा, जैसा कि डेयरी का उदाहरण हमारे सामने है, जितने किसानों की अधिक संख्या होगी उतना वो अपना अधिक बड़ा समूह बना पाएंगे और उसकी वजह से वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे या अपना प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग करके और मार्केटिंग करेंगे, तो अधिक ग्रुप होगा तो अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर लाकर रख सकेंगे. तो इससे मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा कि अधिक ग्रुप होगा उससे उनको ज़्यादा लाभ होगा. तो मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर हिल स्टेशन में 100 की संख्या है और बाकी जगह पर है तो इसको 300 कम से कम सदस्य का प्रावधान रखा गया है. सदन में तकियां लाना हमारे नियम प्रक्रिया के तहत उचित नहीं है. मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है. आप सीट पर जाकर बैठिए, मैं हर मुद्दे पर आपका बहस कराऊंगा, जवाब देंगे. लेकिन ये तकियां और नारेबाजी करना कतई उचित नहीं है. फिर माननीय सदस्य को मैं कह रहा हूं, आप बैठिए सीटों पर, आप जिस भी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उस मुद्दों पर सरकार चर्चा करने को तैयार है. कृपया सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. आपण बघितलं की विरोधक जोरदार घोषणाबाजी आणि नारेबाजी करत असल्यामुळे लोकसभेचं कामकाज 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलेलं आहे.